नमस्कार, आज हम बनाएंगे गेहूं की खीर। ये हमारी ट्रेडिशनल रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी खीर होती है। तो आइए शुरू करते हैं बनाना। गेहूं की खीर बनाने के लिए हमने आधा कप गेहूं लिए, अच्छे तरीके से धोकर आधा घंटे पानी में भिगो लिए हैं। गेहूं से पानी पूरी तरीके से निचुड़ जाने देते हैं। गेहूं से पानी पूरी तरीके से निचुड़ गया है, लेकिन फिर भी इसमें हल्का फुल्का पानी रह जाता है, वो हम पोंछ लेंगे कपड़े से। ये देखिए, गेहूं हमने पोंछ लिया। अब हम इसे हाथ पर ले रहे हैं तो हाथ बिल्कुल गीले नहीं हो रहे, पानी हट गया है पूरी तरीके से। अब हम इसके छिलके उतारेंगे, इन्हें अब जार में डाल देंगे। अब हम मिक्सी को सबसे कम स्पीड पर बिल्कुल सेकंड्स के लिए चलाएंगे और तुरंत बंद कर देंगे। हमें गेहूं के ऊपर से उसका छिलका उतारना है, तुरंत बंद करेंगे। इसको एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए, गेहूं से छिलका उतर रहा है, जार के चारों ओर छिलका लगने लगा है। इस प्रोसेस को हम 5-6 बार रिपीट कर लेंगे ताकि सारे गेहूं से छिलके उतर जाएं। गेहूं कट गया है, लेकिन इससे छिलके सारे अलग हो गए हैं। ये जो गेहूं हमने छीले हैं, इनको हम एक थाली में निकाल लेते हैं। ये जो छिलके हमें दिखाई दे रहे हैं, ये सारे हमें फटक के निकालने होंगे। देखिए, छिलके अपने आप बाहर आ रहे हैं निकल के। इस तरीके से इन्हें अलग कर देंगे। ये प्रोसेस हम बार बार करते हैं जब तक कि गेहूं से सारे छिलके अलग नहीं हो जाते। मैक्सिमम छिलके गेहूं से अलग हो गए हैं। अब हम इसे एक दो बार धो लेंगे। थोड़ा सा पानी डाल देंगे इसमें। और इस तरीके से देखिए, जो भी थोड़े से छिलके हैं पानी के ऊपर तैर कर आ जाएंगे, पानी निकाल देते हैं। एक बार और वॉश कर लेते हैं। ये गेहूं अब हमें उबालने हैं। हम डालेंगे इसमें 1.5 कप पानी। कुकर बंद कर देंगे, फ्लेम मीडियम रखेंगे और कुकर में 1 सीटी आने देंगे। देखिए, कुकर में सीटी आ गई है। फ्लेम धीमी कर देंगे और धीमी फ्लेम पर हम इन्हें 10 मिनट तक उबलने देंगे। इधर हम तब तक दूध बॉईल कर लेते हैं। ये 1 लीटर हमने फुल क्रीम दूध लिया है। दूध में एक उबाली ले लेते हैं। 10 मिनट हो चुके हैं, हम गैस बंद कर देते हैं और कुकर का प्रेशर ख़त्म होने देते हैं। और दूध में उबाल आ गया है, हम फ्लेम धीमी कर देंगे और दूध को थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहेंगे और इसे थोड़ा गाढ़ा होने देते हैं। कुकर का प्रेशर ख़त्म हो गया और गेहूं कितने अच्छे उबल कर तैयार हो गए। देखने से ही लग रहा है कि एकदम सॉफ्ट हो गए हैं ये, देखिए। और आगे का प्रोसेस करने के लिए हमने ये पैन ले लिया। इसमें डालेंगे 1 चम्मच घी। घी को मेल्ट कर लेते हैं। ये हमने 10-12 बादाम पतले पतले काट कर ले लिए हैं। इन्हें हम इसमें डाल देंगे और लगातार चलाते हुए मीडियम गैस पर भूनेंगे। इन्हें भूनने से इनका टेस्ट बहुत बढ़ जाता है और खुशबू भी बढ़ जाती है। ये बादाम का हल्का सा कलर चेंज हो गया है, खुशबू आने लगी है। ये भून चुके हैं और इन्हें भूनने में मुश्किल से 1.5 मिनट लगा है। इसे हम निकाल लेते हैं। और ये 10-12 काजू बारीक कटे हुए, इन्हें भी हम इसी तरीके से हल्का सा भून लेंगे।
एक मिनट में ही हमारी ये काजू भुनकर तैयार हो गए। अब इसमें हम 2 चम्मच घी डाल देंगे, मेल्ट करेंगे, और ये 1/4 कप ग्रेटेड नारियल, सूखा नारियल है ये, हल्का सा भूनेंगे बिल्कुल। बस हमने थोड़ा सा इसे घी में चला लिया। अब हम डाल रहे हैं ये उबाले हुए गेहूं, इसी में डाल देते हैं और दोनों को एक साथ भून लेंगे। और ये दूध हमारा उबल रहा है उसे भी हम बीच बीच में चला दे रहे हैं, हमने फ्लेम बहुत धीमी कर रखी है। तो गेहूं को हम मीडियम फ्लेम पर 2-3 मिनट भून लेंगे, साथ में नारियल भी भून रहा है, तो इसे भी हमने 2 मिनट भून लिया। अब हम कढ़ाई में ही दूध डाल देंगे, फ्लेम एकदम धीमी रखेंगे। ये दूध और गेहूं अब हमें तब तक पकाने हैं जब तक कि हमारी खीर गाढ़ी नहीं हो जाती। अब हम खीर को थोड़ी थोड़ी देर में चलाते हुए पकाएंगे, और हमें पूरा ध्यान रखना होगा जो हमारा स्पैतुला है कढ़ाई के तले में जाना चाहिए, हमारी खीर कढ़ाई में लगनी नहीं चाहिए। इसे थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहेंगे और मीडियम गैस पर पकाते रहेंगे। इसे पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं और ये खीर हमें काफ़ी गाढ़ी दिखने लगी है। इसमें हम थोड़े से ये काजू डाल देंगे, थोड़े गार्निशिंग के लिए बचा लेते हैं, थोड़े से बादाम डाल देते हैं, और ये 1/4 छोटी चम्मच नटमेग पाउडर, नटमेग को हमने ग्रेट करके ले लिया, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इससे, और ये 1/4 छोटी चम्मच कुटी हुई इलायची, 4 इलायची को हमने कूट लिया है। सारी चीज़ों को मिला देंगे। खीर को हम इस तरीके से चमचे से गिरा कर देखें तो गेहूं और दूध बिल्कुल साथ साथ चल रहे हैं, खीर बन चुकी है। गेहूं की खीर को ट्रेडिशनली गुड़ के साथ बनाया जाता है, लेकिन अगर आपको गुड़ नहीं पसंद हो तो चीनी भी डाल सकते हैं। हम ये खीर दोनों तरीके से मीठा कर रहे हैं, चीनी से भी और गुड़ से भी। तो हम खीर को आधा आधा डिवाइड कर लेते हैं, फ्लेम बंद कर देते हैं। ये खीर हमने प्याले में निकाल ली, इसे हम थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं, और ये जो खीर पैन में है इसमें हम शुगर डाल देंगे। ये हमने लिया 1/4 कप शुगर, चीनी आप अपनी पसंद से थोड़ी सी कम ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो ये चीनी मिलाकर हम 2 मिनट के लिए ढक देते हैं, चीनी घुल जाएगी। खीर को हमने 6-7 मिनट ठंडा कर लिया है, का टेम्परेचर काफ़ी कम हो गया पहले से। और ये है 1/2 कप बारीक कटा हुआ गुड़, ठंडा करेंगे तब गुड़ मिलाएंगे इसमें। अगर गरम गरम में गुड़ मिला दिया जाए तो दूध के फटने का डर हो जाता है। और इसे अब 2-3 मिनट के लिए ढक के रख देते हैं, गुड़ घुल जाएगा। हाँ, अब हम खीर को थोड़ा चला देंगे, गुड़ एकदम अच्छे तरीके से मिल जाएगा घुलकर। ये देखिए बिल्कुल भी गुड़ नहीं दिखाई दे रहा, और खीर का कलर चेंज हो गया पहले से, ये थोड़ी सी ब्राउन हो जाती है गुड़ की खीर। तो ये हमारी गुड़ की खीर तैयार हो गई। थोड़े से काजू और बादाम डालकर इसकी गार्निश कर देते हैं। और ये अब चीनी की खीर भी तैयार है, मिक्स कर लेंगे। और ये थोड़े से काजू बादाम। गेहूं की खीर सर्व करने के लिए तैयार है। हमने दोनों तरह की खीर बना दी है, चीनी वाली भी और गुड़ वाली भी। तो आपको जैसी भी खीर पसंद हो उस तरह की आप बना सकते हैं। खीर बनाना तो आसान है, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, लेकिन एक ट्रेडिशनल और अलग टेस्ट वाली खीर बनकर तैयार होगी, आपको बहुत पसंद आएगी। तो आप ये खीर बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। और मुझे ये भी बताइए कि मुझे आपके लिए कौन सी नई रेसिपी बनानी है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।